नमस्कार, सिंपल होम कुकिंग विथ वंदना उमेश में आज आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं एग पराठा। ये बहुत ही सिंपल और इजी है, इसको बनाना बहुत ही आसान है। आप अगर घर में सब्जी या कुछ भी नहीं है तो आप इसको बना करके फटाफट खा सकते हैं। इसके लिए हमें सामग्री चाहिए। एक बॉल में मैं मैदा लूँगी, इसका डो बनाऊँगी, 4 हरी मिर्च, 2 प्याज मीडियम साइज, थोड़ी सी धनिया, 4 अंडे। सबसे पहले हम चलते हैं डो बनाने के लिए। अभी हम मैदा का डो बनाएंगे। ये मैदा लिया, इसमें हम घी थोड़ा सा डाल रहे हैं, देखिए, थोड़ा सा नमक डालेंगे, हाफ से भी कम है। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। आप चाहे तो इसमें सनफ्लावर ऑयल या कोई भी ऑयल डाल सकते हैं। मैंने घी डाला है, थोड़ा टेस्ट अच्छा होगा। ये देखिए रेडी हो गया है मेरा आटा। इसको इस प्रकार से अच्छे से मैश करना है पूरा, ताकि सॉफ्ट हो जाए। देखिए हो गया है, ये बिल्कुल बहुत सॉफ्ट भी नहीं है, बहुत हार्ड भी नहीं है, मीडियम है। इसके ऊपर थोड़ा सा ग्रीस कर दीजिए घी या तेल से, प्रकार से। इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। ये देखिए मैदा को मैंने सान के इसका डो बना लिया और इसमें खाली कर लिया है, क्योंकि वो बड़ा बर्तन था। 2 अंडा मैंने अलग अलग तोड़ लिया है, क्योंकि एक पराठा में एक ही अंडा यूज़ करेंगे। मैंने प्याज छोटे छोटे चॉप कर लिए हैं, हरी मिर्च को भी चॉप कर लिया है और धनिया पत्ती को भी अच्छे से साफ करके चॉप कर लिया है। अब हम चलते हैं बनाने के लिए। सबसे पहले ये एग में थोड़ी सी प्याज डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। थोड़ी सी हरी मिर्च डालिए, आप हरी मिर्च अगर नहीं खाते हैं तो नहीं भी डाल सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार आप डालें, मैंने इतना नमक डाला है। इसमें भी इसी प्रकार से मिक्स कर लेंगे। अब इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे। फेंटना सबसे ज़रूरी है, बहुत अच्छे से इसको फेंटना चाहिए, तभी वो फ्लफी होगा और फूलेगा। एग को जितना फेंटते हैं उतना ही फूलता जाता है। ये रेडी हो गया मेरा एग, तो दूसरा भी इसी प्रकार से रेडी कर लेते हैं। ये दोनों हमारा रेडी हो गया, अब हम चलते हैं बनाने। देखिए सबसे पहले हम आटा मैदा को लेंगे इस प्रकार से, इतना बड़ा साइज चाहिए। इसको ट्रायंगल पराठा की तरह बेल लेंगे। में एक चीज का ध्यान रखना है, पहले हम लेयर इसका खोलेंगे तो इसके लिए हमें यहाँ पे अच्छी तरह से घी लगाना पड़ेगा, तभी वो लेयर अच्छे से खुल जाएगा। और ऐसे फोल्ड कर देंगे।
अब इसको फिर से फोल्ड करके अब हम इसको बेलेंगे। आप चाहे तो कोई भी शेप बना सकते हैं। ये देखिए मैंने तवा गरम के लिए चढ़ा दिया था, कास्ट आयरन का मैंने तवा लिया है। अब इसको पकाते हैं। इसको इस प्रकार से उलटते उलट उलट के पका लीजिए दोनों साइड। ये देखिए इसका लेयर भी अच्छे से निकल रहा है। इस प्रकार से उलट पलट के पका ले पहले। ये मेरा पक चुका है पराठा। ये देखिए लेयर अलग अलग हो चुका है। सबसे पहले हम इसको इस प्रकार से निकाल लेते हैं। निकाल के यहाँ पे ये अंडे को डाल दें ऐसे और फैला दे थोड़ा। अब हम इसको ऐसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करके इसके ऊपर से घी लगा दे अच्छे से। दूसरे तरफ भी घी लगा ले इस प्रकार से। ये धीरे धीरे अंदर अपने आप ही अंडा पक जाएगा। गैस को बिल्कुल स्लो रखें। अब हो चुका है, अब प्लेटिंग के लिए निकाल देते हैं। ये देखिए मेरा पराठा रेडी हो गया। देखिए अंदर फूलने भी लगा है। अब हम इसको प्लेट निकाल लेते हैं प्लेट में। अब हम दूसरा पराठा बनाते हैं। सबसे पहले बर्तन लगा के इस प्रकार से बेल लें। घी का आप बनाएंगे तो अच्छा टेस्ट होगा, वैसे तेल का भी बना सकते हैं।
एक बार और थोड़ा पत्थर लगा लेते हैं। मैदा को थोड़ा फैलाना मुश्किल होता है, आटा बहुत जल्दी फैल जाता है। देखिए मेरा हो गया है रेडी। इसको तवा में इस प्रकार से डाल के ठीक वैसे ही सेकेंगे। गैस को थोड़ा सा तेज कर लीजिए। ये देखिए इसका लेयर इस प्रकार से निकाल दें और इसमें एक को अच्छे से फैला दें। फिर इसको बंद करके गैस को स्लो रखें, थोड़ा सा इसमें घी लगा दें इस प्रकार से। गैस को स्लो ही रखें। इसको अब हम उलट लेंगे। थोड़ा सा घी लगा के सेक लें। देखिए पराठा ऊपर से फूलने लगा है, इसका मतलब कि अंदर अंडा पकने वाला है। अब हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। ये देखिए मेरा पराठा रेडी है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं, इसके साथ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो थम्स अप दें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।